हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। सो आपने जो है थंबनेल तो देख ही लिया है, हम बात करने वाले हैं रेड बुल के बारे में। रेड बुल के बारे में काफ़ी सारी अफवाह है कि नहीं कि वो एक हेल्दी ड्रिंक है, कि उसे प्री वर्कआउट में लेना चाहिए और भी काफ़ी सारी उसमें हेल्थ इश्यूज होती है, क्या वो सही है या गलत। मैंने काफ़ी कुछ सर्च करने के बाद में आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आपको हर एक चीज़ बताऊँगा रेड बुल के बारे में। क्या उस पर स्पर्म काउंट पे फ़र्क पड़ता है, क्या वो प्री वर्कआउट के लिए अच्छा है, और ज़्यादा करके वो किस लोगों को नहीं लेना चाहिए और कितना कंजम्पशन करना चाहिए, हफ्ते में करना चाहिए कि रोज़ करना चाहिए, उसके साइड इफेक्ट्स क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या है, सब के बारे में बात करूंगा। और दोस्तों वीडियो एंड तक देखना, आपको बहुत ज़रूरी जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो के ऊपर। रेड बुल के बारे में जो बनाया है, जो कंट्री ने बनाया है, वैसे तो उसके ऊपर लिखा हुआ है मेड इन स्विट्जरलैंड, तो इससे यूरोपियन कंपनी है। 1987 में एस्टैब्लिश हुई थी और जो कंपनी ने जो रेड बुल बनाना चालू किया था, 1987 में, हम तो अभी 10-15 साल ही हुए या 15-18 साल ही हुए पीते हुए। मुझे तो रेड बुल के बारे में 7-8 साल पहले पता लगा था, मैं ज्यादा एनर्जी ड्रिंक पीता भी नहीं था। सो वो 1987 में जो है वो कंपनी, ज्यादा करके यूरोपियन लोग ज्यादा उसका इंटेक करते हैं। सो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो रेड बुल जो है, रेड बुल नॉर्मल वाली, शुगर फ्री वाली नहीं, जो हम लोग डेली यूज करते हैं, 250 ml ऑफ रेड बुल का न्यूट्रिशन फैक्ट के बारे में बात करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पे, जो उसमें कैलरीज जो है 110 कैलरीज है, 26 ग्राम ऑफ शुगर है, 28 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स है, सोडियम 98 ग्राम्स है, और जो कैफीन जो है वो आ जाता है राउंड अबाउट 77.4 mg ऑफ कैफीन। ये सब उसके जो न्यूट्रिशन फैक्ट है जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सो दोस्तों अभी हम बात करते हैं कि ये जो है एनर्जी ड्रिंक, ये क्या ये वर्कआउट के लिए अच्छी है कि नहीं। देखिए, स्टडी ने ये बताया है कि इसका, रेडबुल का, कहीं पर भी वर्कआउट से कुछ लेना देना नहीं है। क्योंकि अगर कोई बंदा अगर वो इंटेक करता है कैफीन का, वैसे तो दिन में 400 mg ऑफ कैफीन ले सकते हैं, ये अराउंड अप्रॉक्स ले सकते हैं, 300 to 600 बोलते हैं, वैसे तो 400 हम लोग पकड़ के चलते हैं। वर्कआउट के लिए हम लोग अप्रॉक्स लेते हैं 100 to 150 mg हम लोग लेते हैं जो कैफीन। इसमें जो पाई जाती है वो है 80 mg, 250 ml में 80 mg ऑफ कैफीन पाई जाती है, जो काफ़ी ओके है, रीजनेबल है, मतलब ले सकते हैं। लेकिन जहाँ पर अगर कोई फिट पर्सन है, 26 ग्राम उसमें शुगर पाई जाती है, 26 ग्राम, तो वो तो इतना तो शुगर लेगा नहीं। क्योंकि अगर किसी को अगर सिर्फ कॉफ़ी पी के वर्कआउट करना है तो ब्लैक कॉफ़ी जो नॉर्मली जो नेस्कैफे की आती है, ब्रू की आती है, तो ये सब जो है वो ले सकता है। तो यहाँ पर रेडबुल इज नॉट दैट गुड इनफ फॉर द प्री वर्कआउट, बिकॉज द कंजप्शन उसका जो है शुगर का बहुत ज़्यादा है। अभी इसमें पाए जाने वाले और जो न्यूट्रिएंट, देखो कैफीन तो इसमें आता ही है, इसमें टॉरिन आता है जो हमारी बॉडी को आवश्यकता है एमिनो एसिड्स की, और ये टॉरिन जो है जो हम सप्लीमेंट्स लेते हैं उसके अंदर भी जो है आप देखोगे टॉरिन करके आता है, सो दैट्स अ एमिनो एसिड्स। उसके अलावा इसमें आ जाती है बड़ी मात्रा में शुगर आ जाती है, मीन पर जो कैन आता है 250 ml का, उसमें 26 ग्राम शुगर है। स्टडीज ये कहती है कि हमारी बॉडी को सिर्फ 24 ग्राम शुगर की रिक्वायरमेंट है अगर आप फिट रहना चाहते हो। सो अगर आप 26 ग्राम सिर्फ रेड बुल से लोगे, तो दिन भर में अगर आप कुछ भी दूध पीते हो या चाय पीते हो, तो उसकी तो फिर मात्रा तो 50-60 के ऊपर चला जाएगा, तो वो बहुत ज़्यादा अमाउंट हो जाता है। सो इस करके वर्कआउट के लिए तो मैं कहीं पर भी इसे मैं रिकमेंड नहीं करता, लेकिन फिर भी मैं आगे चलते हुए बात करता हूँ एडवांटेजेस के बारे में। सो ये रहा स्क्रीन पे। सबसे पहले ये जो है अपनी एनर्जी लेवल को बढ़ा देता है, अगर आप कहीं पर भी सुस्त महसूस कर रहे हैं तो ये एनर्जी लेवल को बढ़ा देता है। और ये ज़्यादा करके इंटेक वो लोग लेते हैं जो लोग लंबी लंबी ड्राइव करते हैं, जैसे ओला ड्राइवर्स हो गए, ट्रक ड्राइवर्स हो गए, टेम्पो वाले, कहीं पर भी आप ढाबाज पे देखना, जो लंबे लंबे NH हाईवेज, जो नेशनल हाईवेज जो रहती है वहाँ पर ढाबेज में जो है वो रेडबुल वगैरह मिलती है, रेडबुल हो गया, मॉन्स्टर हो गया, सब चीज़ें मिलती है। क्यों? वो स्पेशली इन लोगों के लिए है जो लंबी लंबी ड्राइव करते हैं रात में, ताकि उनको नींद ना आए। सेकेंड है इंक्रीज द मेटाबॉलिज्म। डेफिनेटली अगर जो है वो एनर्जी लेवल बढ़ा देता है तो मेटाबॉलिज्म भी बढ़ा देता है। थर्ड, अलर्टनेस, मीन्स आपको एकदम अलर्ट कर देता है। अगर देखिए कभी भी इंसान गाड़ी चलाते समय कभी डिस्ट्रैक्ट ना हो, इस करके आपको एक अलर्ट कर देता है, मतलब आपका जो कंप्लीट जो फोकस जो रहता है ना वो ड्राइविंग पे आ जाता है, मतलब इतना आपको अलर्ट कर देता है। नंबर 4, सेटिस्फैक्शन ऑफ कैफीन क्रेविनेस। बहुत सारे लोगों को
चाय पीने की तलब रहती है, कैफीन का इंटेक लेने की तलब रहती है, जिनको ब्लैक कॉफी ये सब लेना रहता है, तो उसकी वो तलब काफी हिसाब से कम कर देता है। तो ये था उसका एडवांटेज। हमें हम चलते हैं इसके डिसएडवांटेजेस पे। हार्ट बीट को बढ़ा देता है, दैट्स नंबर वन, इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। टू, नौसिया। थर्ड, ट्रबल स्लीपिंग। अभी समझो कोई बंदा अगर पार्टी वार्टी पे गया और कोई जो है बियर वगैरह नहीं पीता और उसने रेडबुल वगैरह मंगा के पी ली 10 बजे 11 बजे, तो भाई इसको 4-5 घंटे तक तो नींद आने वाली नहीं है। सो दैट इज बिकॉज ऑफ कैफीन। पॉइंट नंबर 4, 2 डीके, मीन्स दांतों में सड़न, मतलब दांतों में ऐसा होल हो जाता है ज़्यादा स्वीट इंटेक करने के बाद में जो होता है ना, तो वही इसमें भी होता है रेडबुल में। फिफ्थ, एंग्जाइटी। एंग्जाइटी में भी जो है ये लेने के बाद में भी लोगों को एंग्जाइटी हो जाती है जिनको ऑलरेडी एंग्जाइटी की इशू है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है स्पर्म काउंट कम होना। ओवर इसका यूज करने पर जो है डेफिनेटली जो है स्पर्म काउंट कम हो जाता है। तो ये इसके जो है डिसएडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस को लिस्ट काफ़ी ज़्यादा है। सो ये सब चीज़ें आ जाती है अगर आप जो है रेडबुल का इंटेक अगर डेली करते हो। वैसे देखो कंपनी वाले ने लिखा हुआ है नॉट मोर देन इतना, मतलब दिन में आप 2 पी सकते हो, लेकिन इंसान सिर्फ रेडबुल थोड़ी ना पिएगा, कंपनी को तो अपना डब्बा बेचना ही है ना। सो मेरे हिसाब से देखो अगर आप ये ज़्यादा करके जो लेने वाले लोग जो है ट्रक ड्राइवर्स देते हैं क्योंकि उनको रात को चलानी रहती है, उनका रेगुलर डाइट नहीं हो पाता, ये वो लोग लेते। अभी बीच में एक वीडियो आया था, आप स्क्रीन पर देख सकते। इसमें ये लिखा गया है कि रेडबुल ज़्यादा पीने पर, ये बंदे ने 10-20 रेडबुल पीने के बाद में उसका हार्ट का साइज बढ़ गया है, ये वीडियो एब्सोल्युटली फेक है। क्योंकि जो सही है मैं सही बोलूँगा, जो गलत है वो गलत बोलूँगा। मैं किसी का कुछ प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ ना किसी को कुछ सही बोल रहा हूँ, जो सही है वो सही बोलूँगा। सो रेडबुल हेल्दी ड्रिंक नहीं है, वो एनर्जी ड्रिंक बोल सकते हैं। कैफीन की मात्रा काफ़ी मॉडरेट है, सिर्फ शुगर की मात्रा की वजह से वो जो है यहाँ पर मार खा जाता है। अभी हम चलते हैं शुगर फ्री के बारे में। शुगर फ्री जो है एनर्जी ड्रिंक, कहीं पर मैंने ये पढ़ा है, मतलब आई एम नॉट श्योर, कि शुगर फ्री ड्रिंक जो है आप प्री वर्कआउट में ले सकते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर वो मार खाता है शुगर की वजह से। कोई भी बंदा जिसको अगर हेल्थ अच्छी रखनी है तो वो शुगर का इंटेक नहीं करेगा, बहुत कम करेगा। तो जो शुगर फ्री में 250 ml में राउंड अबाउट 4 ग्राम शुगर आती है, तो वो प्री वर्कआउट में ले सकते हैं क्योंकि कैफीन की मात्रा उसमें राउंड अबाउट सेम है 250 ml में जो एक नॉर्मल जो विदाउट शुगर वाले में जो पाई जाती है, दैट इज 77.4 mg ऑफ कैफीन, तो वो वाला आप ले सकते हैं। बात करते हैं उसके पीएच लेवल के बारे में। पीएच मतलब पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। हर एक जो है सॉफ्ट ड्रिंक को एक पॉइंट दिए देते हैं, तो उसका जो रेटिंग जो रहता है वो 1.5 to 3.3 रहता है। और रेडबुल जो शुगर फ्री वाला नहीं, जो नॉर्मल वाला है वो उसकी है 3.3 है, मतलब वो ऑलमोस्ट नॉर्मल रेंज पे है। जो ये सिर्फ आपको एनर्जी देगा लंबी ड्राइव के लिए, अगर आपको रात को जागना है तभी आप इंटेक कर सकते हैं। शुगर फ्री इज बेटर देन द नॉर्मल रेडबुल। सो अभी ये जो है आपको तो पता ही है कि मैंने पूरा डिटेल बता दिया है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताऊंगा, एक जन का सवाल आया था इसमें मुझे अच्छा याद आ गया कि क्या जो रेडबुल जो है वो एम्प्टी स्टमक लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। मैंने आपको पीएच लेवल के बारे में बताया था, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, उसमें ये चेक होता है कि वो कितना एसिडिक है, मींस उसका जो रेटिंग जो है वो 3.3 एकदम डेडलाइन है। तो अगर आप एम्प्टी स्टमक लोगे तो आपको हार्ट बर्न, स्टमक अपसेट होगा क्योंकि एसिडिक रिफ्लेक्स करेगा वो आपके स्टमक में। सो इस करके एम्प्टी स्टमक उसे नहीं लेना है क्योंकि ऑलरेडी वो जो है जो एनर्जी ड्रिंक वो एसिडिक ही है, इस करके एम्प्टी स्टमक नहीं लेना है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखना। तो बाकी के पॉइंट्स जैसे मैंने कवर कर लिए रेडबुल के बारे में, इसे आप जो है हफ्ते में 2 बार उसका इंटेक कर सकते हैं, अगर आपको रात को जागना है तो आप ले सकते हैं। शुगर फ्री इज बेटर देन द नॉर्मल रेडबुल जिसमें शुगर पाया जाता है। एवरीडे नहीं लेना है अगर आपकी ऑलरेडी कैफीन की मात्रा ज़्यादा हो। अब ये किन किन को नहीं लेना है, जिनको ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुना, बच्चों को नहीं लेना है, 16-17 साल के बच्चे से उनसे उनके नीचे वालों को नहीं लेना है, प्रेग्नेंट वुमेंस, जिनको लैक्टिक इश्यूज है उनको नहीं लेना है, जिनको ऑलरेडी जिनका स्टमक अपसेट रहता है, जिनको एसिडिक इश्यूज है उनको नहीं लेना है, जिनका ऑलरेडी हाई बीपी है उनको भी नहीं लेना है, जिनको हार्ट के इश्यूज है उनको भी नहीं लेना है, तो इन इन लोगों को नहीं लेना है। बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। कोई भी अगर मैंने जो पॉइंट्स मिस किया है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों प्लीज़ 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 ये वीडियो को आप शेयर करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बनाई है मैंने,
रेडबुल के बारे में, क्योंकि रेडबुल आज भी बहुत सारे लोग जो है वो एवरीडे इनटेक करते हैं, जो एवरीडे नहीं अच्छा है, स्पेशली दैट ज़्यादा शुगर वाला जो है वो नहीं अच्छा है। शुगर वाला आप ले सकते हैं हफ्ते में 2 से 3 बार, तो उसमें कोई इशू नहीं है। सो होपफुली दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ रहेगा तो आप हम कमेंट कर सकते हैं या हमारे आप इंस्टाग्राम पेज पे जाके हम DM भी कर सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों स्टे फिट स्टे ऑसम, मिलते हैं अगले वीडियो में।